लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नया लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं इंटेल i5 13 जनरेशन लैपटॉप। देखिए अभी 2022 में ही 12 जनरेशन आया था मार्केट के अंदर और बहुत ही जल्द 13 जनरेशन ने उसको रिप्लेस कर दिया है। जी हाँ, एचपी ले आया है अपने टच एंड 2-in-1 लैपटॉप के अंदर i5 13 जनरेशन, जिसको आज हम अनबॉक्स करेंगे और जिसको हम आपको फिजिकली ओपन करके भी दिखाएंगे कि लैपटॉप में क्या क्या पार्ट्स कहां कहां पे लगे हुए हैं। मैं बता दूं क्या मॉडल है, वो है एचपी का 14EK1010TU लैपटॉप। टच स्क्रीन के साथ ये लैपटॉप आता है। एचपी ने i5 13 जनरेशन टच एंड 2-in-1 के अंदर दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अगर मैं दोनों के मॉडल नंबर की बात करूंगा तो एक मॉडल नंबर है EK1009TU जो रोज गोल्ड के साथ आता है और दूसरा मॉडल है EK1010TU जो नेचुरल सिल्वर कलर के साथ आता है। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, जो दोस्त हमारे से नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम नए नए लॉन्चेस लैपटॉप्स के आपके लिए लेके आते रहेंगे और सबको हम कोशिश करेंगे उसको ओपन करके भी आपको दिखाएं। तो दोस्तों ये है HP Pavilion 14EK1010TU लैपटॉप i5 में टच स्क्रीन के साथ आता है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो i5 13 जनरेशन लैपटॉप है। 1335U इसका प्रोसेसर है, 16GB की रैम है और 1TB SSD है। 14 inches फुल HD आपको इसका डिस्प्ले मिलता है और साथ में आपको इसके साथ मिलता है एक स्टाइलस इसके टच स्क्रीन पे वर्क करने के लिए। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये है 13 जनरेशन i5 लैपटॉप। देखिए सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर से क्या क्या मिला है हमें। प्रीमियम पावर केबल, 65 वॉट का एडाप्टर एज यूजुअल, ये हर लैपटॉप में हमें मिलता ही है मैनुअल। ये एक एक्स्ट्रा मिलता है हमें टच स्क्रीन वाले लैपटॉप के साथ। ये है स्टाइलस रिचार्जेबल 2.0 पेन है जिससे आप स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा लैपटॉप। सबसे पहले देखते हैं लैपटॉप। देखिए अगर मैं कहूंगा 12 जनरेशन जो लैपटॉप था सेम वैसा ही लैपटॉप है। बॉडी वाइज अगर हम देखें मेटल बॉडी में है, बिल्ड क्वालिटी बड़ी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं ये कहूं बहुत ही स्लिम है। अगर हम बैक साइड में भी देखेंगे तो आजकल एमएस ऑफिस वगैरह के स्टिकर्स पीछे ही आ रहे हैं। ये वेंट दे रखा है, रबर ग्रिप आपको इसमें मिलती है। दोस्तों देखते हैं ये लैपटॉप एक हाथ से हम ओपन कर सकते हैं या नहीं। नहीं, हमने लास्ट एक राइजन 5 की वीडियो अपलोड करी थी, हमने आपको दिखाया था एरो एक हाथ से इजीली ओपन हो गया था, लेकिन ये लैपटॉप एक हाथ से ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको कहूं हमेशा लैपटॉप को सेंटर से ही ओपन करा करिएगा, अगर साइड से ओपन करेंगे तो इसके हिंजेस खराब हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके पोर्ट्स की। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है चार्जिंग का, जिससे आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दो पोर्ट आपके दिखाई देते हैं यूएसबी के पोर्ट हैं, दोनों SSH सुपर स्पीड। आप प्रिंटर लगाना हो, कीबोर्ड माउस, आप डाटा ट्रांसफर करना हो पेन ड्राइव से, आप इससे कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देता है माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट आपको लेफ्ट साइड में लैपटॉप के मिलते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं हम कौन कौन से पोर्ट हैं। सबसे पहला हमें मिलता है HDMI पोर्ट प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए या एक्सटर्नल LED या TV कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है टाइप सी, जिससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं और आप डाटा ट्रांसफर भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई दे रहा है वेंट एयर कूलिंग के लिए। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, आप उसे हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर जो आता है 13 जन इंटेल कोर i5 1335U। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 1.3 GHz है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बूस्ट अप होके ये 4.6 GHz तक जाती है। कोर की बात करेंगे हम, 10 कोर का प्रोसेसर है और लॉजिकल प्रोसेसर इसमें 12 आते हैं और L3 कैश है 12।
दोस्तों मैं आपको इस बारे में एक बता देता हूं कि इसमें 10 कोर्स हैं, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं और 8 एफिशिएंट कोर होते हैं। जो 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं उनकी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, वो टर्बो बूस्ट के साथ वो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जाते हैं, और जो एफिशिएंट कोर है 8 वो टर्बो बूस्ट होकर 3.4 गीगाहर्ट्ज तक ही जाते हैं। लॉन्च तो किया है इंटेल ने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेजर डिफरेंस क्या रखा है जनरेशन के अंदर। अगर हम मेमोरी की बात करते हैं दोस्तों, 16 GB की इसमें मेमोरी लगी हुई है। स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज की है। 2 स्लॉट्स हैं, दोनों ही यूज्ड हैं। डिस्क की बात करते हैं इंटेल की, 1 TB की इसमें SSD लगी हुई है, जिसकी आपको कैपेसिटी मिलती है 954 GB की। वाईफाई देखते हैं, वाईफाई 6E इसमें आपको मिलता है और ब्लूटूथ इसमें मिलता है 5.3। तो स्पीड इंटरनेट की आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राउटर अच्छा होना चाहिए, इस लैपटॉप में स्पीड में आपकी कोई कमी नहीं आएगी। ग्राफिक्स देखते हैं, इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स आपको मिलता है। मैं आपको बता दूं इंटेल आइरिस ग्राफिक्स है, इसीलिए कंपनी को 2 रैम यूज करनी पड़ती है। अगर 16 GB की इसमें मेमोरी है तो 16 GB की एक चिप यूज नहीं कर सकते, 8-8 GB की ही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स सभी काम करता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है इसमें, शेयर्ड है सीधा, 7.9 GB का आपको इसमें शेयर्ड ग्राफिक्स मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 14 इंचेस फुल HD मल्टी टच अनेबल्ड IPS डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। अगर आप देखेंगे H2H ग्लास ये आपको दिखाई देता है हमेशा टच स्क्रीन का लैपटॉप में। नेट्स की बात करेंगे, 250 नेट्स के साथ ये लैपटॉप आता है, और कलर गोमेट की बात करेंगे तो 45% NTSC के साथ आता है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी है 1920x1080। दोस्तों बात करते हैं इसके बैक कैम की। ट्रू विजन 5 MP कैमरा आपको इसमें मिलता है शटर के साथ। अगर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इसके शटर है, शटर आप बंद करेंगे, फिजिकल शटर है तो ये बंद हो जाएगा। ये हैकिंग के लिए बड़ा काम आता है, अगर कोई आपका लैपटॉप हैक कर लेता है तो आपकी बिना परमिशन के वो आपको नहीं देख पाएगा। जो इसमें वेबकैम के साथ आपको मिलता है, टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन मिलता है, और इसमें इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स आपको इसमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों समय आ गया लैपटॉप को फिजिकली ओपन करने का, जिसका अधिकतर हमारे व्यूअर्स का इंतजार रहता है कि कब हम लैपटॉप को ओपन करेंगे। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपके कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये मदरबोर्ड है, ये आपका फैन लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम इसको हल्का सा अप करते हैं, यहाँ आपका प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। यहाँ पे आपकी रैम लगी हुई है जो ऑन बोर्ड है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, 8-8 GB की 2 रैम लगी हुई है, और ये हमारी SSD इसके नीचे, इस कवर के नीचे SSD लगी हुई है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। यहाँ पे है हमारा लगा हुआ है वाईफाई कार्ड जो हमने दिखाया था 6E, फैन हो गया, ये हमारी बैटरी है, 3 सेल की बैटरी है 43 वाट आवर के साथ। अगर आप बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप इसमें मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्पीकर्स इसमें लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि आप इसमें बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, 16 GB की रैम है उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर अपग्रेड करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। SSD है, 1 TB की SSD है। तो अगर मैं आपको ये कहूं अपग्रेडेबल की, तो इसमें बहुत ज्यादा अपग्रेड करने के ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। दोस्तों आज हमने अनबॉक्सिंग की HP के 13th generation लैपटॉप की, EK1010T होगी, 16 GB के साथ आता है, 1 TB SSD और Wi-Fi। देखिए अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इंटेल के 12th generation और 13th generation में। हाँ 11th और 12th generation में काफी डिफरेंस था। 11th generation के प्रोसेसर 2 कोर और 4 कोर तक आते थे, 12th generation का प्रोसेसर सीधा 10 कोर का आया था। उसमें भी 2 परफॉर्मेंस कोर होते थे और 8 एफिशिएंट कोर होते थे। सेम इसी जनरेशन में भी यही है, 13th generation में जो आपका 1335U प्रोसेसर है वो 10 कोर के साथ है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर हैं और 8 एफिशिएंट कोर हैं। दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम हैं,
चलिए अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। देखिए टच एंड टू इन वन लैपटॉप है ये, आप अगर प्रोजेक्ट में यूज करना चाहें, आप डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहें तो आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। i5 लैपटॉप है, इसमें गेमिंग और ग्राफिक्स को छोड़ के आप अधिकतर सारे काम ही इसमें आप कर सकते हैं, आपका पर्पस इसमें पूरा सॉल्व होता है। आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना है, आपने ब्राउजिंग करनी है। 1.41 kg का इसका वेट है। अगर मैं कहूं कि कंप्लीट आपको इसमें मिलता है, अगर आपको टच लैपटॉप चाहिए, आप इसे ट्रैवलिंग में बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं। जब आप फ्लाइट्स में कहीं जाते हैं, आप सिंपल इसको 360 डिग्री मूव करता है व्यू मूव करके आप इसमें वीडियो देखना चाहे आप वीडियो देख सकते हैं, आप स्केच में काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नीचे के इसके कीबोर्ड्स काम करना बंद कर देता है जब आप इसको टेंट मोड में लेके आते हैं, ठीक है। आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप इसमें डेमो देना चाहते हैं, आप इस तरीके से स्क्रीन रख के आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। अगर हम प्राइस बैंड की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मार्केट में आपको 80,000 के आसपास मिल जाएगा। एचपी इसके साथ आपको 1 ईयर की ऑनसाइट वारंटी देता है और टाइम टू टाइम ऑफर्स आती रहती हैं आपको अपग्रेड करने की। अगर आपने लैपटॉप परचेज करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एचपी वर्ड्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां पे जाके फील एंड टच करके लैपटॉप को ले सकते हैं। और हाँ, इसके साथ वारंटी अपग्रेड होती है, आप सेल्स पर्सन से जरूर पूछ लीजिएगा। और ये टच एंड टू इन वन लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन टच है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप सेल्स पर्सन से एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर पूछिएगा। एचपी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देता है लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वो चार्ज करते हैं, लेकिन आपका लैपटॉप 3 साल तक डैमेज प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर आपकी स्क्रीन डैमेज भी होती है तो एचपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देता है। ये बात आप सेल्स पर्सन से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा लेने से पहले। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे भी हम नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े होंगे मैं उनसे यही कहूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नए लैपटॉप्स आए हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नए से नए लैपटॉप्स आपके लिए सबसे पहले लेके आए और उसको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएं। तो दोस्तों यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।